आई एम सॉरी स्वरा, मैं ये सब तुमसे पूछ रही हूँ, मगर जब खुद की माँ किसी को धोखा देती है ना, तो अजनबियों पे भी भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। और तुम तो बिना किसी रिश्ते के संस्कार की फैमिली के लिए इतना कुछ किया, ये पराई नहीं है कविता। इसका इस घर से बहुत गहरा रिश्ता है। ये पत्नी है। तुम्हारी पत्नी है? इस बारे में हम अंदर चलकर बात करते हैं। संस्कार, कविता, सुरन, सब लोग हमारे साथ आओ। तू और थारी जी दादी ना, तुम दोनों अट्ठे बैठ के ना शुक्र मनाओ कि हमने तुम दोनों को ना जेल ना भिजवा। हाँ, हमारे छोरे को ना थंको बोलना ना भूलना, क्योंकि आज उसी ने जान बचाई आपके पोती की। सुजाता, पार्वती जी और रागिनी के बारे में हम बाद में फैसला लेंगे, अभी जो बात ज्यादा जरूरी है उस पर ध्यान दो। चलो। जी भाई साहब, राजी। कविता, तुमने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है, इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया है हमें। इसलिए हमारा भी फर्ज था कि हम तुम्हें ये बताएं कि सच क्या है। स्वरा से शादी कर ली? इसलिए तुम ये सब कर रही थी ना? यस, इसलिए तुम बड़े पापा को बड़े पापा कह रही थी, है ना? संस्कार, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, बोलो ना, तुम मुझसे प्यार नहीं करते? संस्कार, रजमीनो, बोलो ना। कविता, संस्कार को लगा था कि शायद तुम इस दुनिया से इस बात को बहुत लंबा अरसा हो चुका है ना, पर अब तो एक दूसरे से प्यार करते। कविता, संस्कार और स्वरा की शादी ना मजबूरी में हुई थी। बात इतनी सी नहीं है सुजाता। सुजाता, हालात चाहे कैसे भी रहे हों, इन दोनों की शादी सच में हुई थी और पिछले 6 महीनों से ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं। हाँ, लेकिन भाई साहब, इन दोनों का तलाक तो अब हो चुका है ना? I'm really sorry. मुझे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा है।
क्या तुम्हारी शादी मजबूरी में हुई है? तुम और संस्कार शादी करके, और वो भी अभी। मजबूरी में हुई और अब तलाक हो चुका है ना? हम दोनों ने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए। थैंक गॉड, वरना संस्कार की शादी की बात सुन के मेरी तो जान ही निकल गई थी। तुम्हें पता है संस्कार, मैं जहाँ पे रहती थी ना वहां पे एक खिड़की थी, और जब मैं कोमा से बाहर आई ना तो मैं हमेशा उस खिड़की से बाहर देखती यही सोचती थी कि एक दिन तुम मुझे लेने आओगे। मैं नहीं जानती थी कि तुम्हें कब पता चलेगा कि मैं जिंदा हूं या नहीं, मगर हाँ मुझे इतना विश्वास था कि हम दोबारा मिलेंगे, हम जरूर मिलेंगे। उसी प्यार की वजह से आज मैं मौत से भी लड़के आ गई। संस्कार, मेरा प्यार जीत गया, मेरा विश्वास जीत गया। मजबूरी पे तुम्हारी शादी होना, फिर तुम्हारा तलाक होना, और फिर मेरा तुम्हारी जिंदगी में वापस आना, ये सब भगवान के ही तो साइंस है। हमारा प्यार सच्चा है, हम एक दूसरे के लिए बने, है ना संस्कार? संस्कार बोलो ना कि तुम आज भी मुझसे ही प्यार करते हो। क्या जवाब देगा मुझे? मुझे तो डर लग रहा है अपनी बेटी के लिए, दूसरी बार कहीं अपना प्यार न खो दे। ये सब किस्मत का खेल है शिखर, उम्मीद करती होगी इस बार किस्मत हमारी बेटी का साथ दे। नया साल तो सबकी जिंदगी में खुशियां लेकर आता है ना मिस्टी, तो नया साल हमारे लिए ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं नया साल हमारी जिंदगी में भी खुशी लेकर आया है, कहीं ना कहीं अभी भी उम्मीद बाकी है। हमारे साथ चलिए लक्ष्य, लक्ष्य बहुत खून बह रहा है, चलिए हमारे साथ चलिए। बैठिए, थैंक यू लक्ष्य। लक्ष्य, हमने आपके साथ इतना कुछ किया फिर भी आपने हमारी जान क्यों बचाई? रागनी, तुमने मुझे उस दिन खाई में गिरने से क्यों बचाया था? रागनी, तुमने मेरे साथ बुरा किया, तो मैंने भी तुम्हें किडनैप करके तुम्हारी जान लेने की कोशिश करके अपना बदला ले लिया, फिर उसका हिसाब पूरा करने के लिए तुम यहाँ पर आई। पर अब बस रागनी, मैं थक चुका हूँ लड़के, मैंने कहा ना रागनी बस प्लीज मेरी आंखों में देख के बोलो ना कि तुम आज भी मुझसे ही प्यार करते हो, तुम बस मेरे संस्कार हो, कुछ बोल के नहीं रहे हो। हाँ हाँ कविता, मैं जैसा था मैं वैसा ही देखो। कविता देखो, ये बहुत ही नाजुक मामला है, इसे इतनी जल्दबाजी में अड़ी मां इस बात को जितनी जल्दी हो खत्म करते हैं ना, हो गया है ना हमारा तलाक। बड़े पापा, वो डिवोर्स पेपर्स मैंने साइन कर दिए है, कोर्ट में सबमिट भी हो चुके हैं, बहुत जल्द
हो जाएगा डिवोर्स। बेटा सुनो प्लीज, सच में तुम इस फैमिली के लिए बहुत खास हो। मुझ में कुछ खास नहीं है कविता, ये लोग बहुत अच्छे हैं, सबसे बहुत प्यार करते हैं और देखना तुम्हें भी उतना ही प्यार देंगे जितना आज तक मुझे दिया है। थैंक यू सो मच इस फैमिली का ध्यान रखने के लिए। संस्कार की सबसे अच्छी दोस्त बनने के लिए और मुझे मेरे प्यार से मिलवाने के लिए थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग सर। चलती हो, वो माँ बाबा इंतजार कर रहे हैं मेरा। से कुछ बात करनी है। पापा, माँ, आप लोग चलिए, मैं आती हूँ। सोरा बेटा, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों नहीं डरी तुम अपने हक के लिए, अपने प्यार के लिए? तुमने तो कहा था कि तुम ये तलाक नहीं चाहती, तुम तो हार मानने वाले नहीं थे ना, फिर अचानक ही। बैठ पापा, हालात से लड़ सकती हूँ, किस्मत से नहीं। और फिर किस बिना पर लड़ू मैं? अगर मैंने डिवोर्स पेपर साइन नहीं किए होते तब भी सच्चाई तो यही रहती ना कि हमारी शादी मजबूरी में हुई। प्यार करता है वो तो है, तुम्हारे बड़े पापा की आंखें अभी इतनी बुरी नहीं हुई कि वो अपने बच्चों की आंखों में उनकी खुशियां ना पढ़ सकें। तुमने भी तो अपने प्यार का इजहार किया था ना। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे बड़े पापा। कविता वापस आ चुकी। आंटी जी, मैं बहुत खुश हूँ, कितने टाइम बाद मुझे मेरा परिवार वापस मिल गया। हाँ,
अच्छा छोरी, तो थक गई होगी ना, एक काम कर, तो जाके आराम कर, मैं थारे लिए कपड़े भिजवाती। आंटी जी, वो संस्कार, संस्कार कहाँ पे है? बड़े पापा, अगर हम दोनों अलग नहीं हुए होते तब भी कविता का वापस आना तो लिखा ही था ना। कविता संस्कार का पहला प्यार है, फिर मैं अब कैसे संस्कार पर हक जता सकती हूँ? और शायद दोबारा उससे प्यार करने लगी। कहते हैं ना कि पहला प्यार कभी खत्म नहीं होता है। अरे पापा, दिल के रिश्तों में कभी जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अपने जीवन साथी के तौर पर वो मुझे चुनेगा या कविता को, ये फैसला संस्कार को ही करना होगा। वो जो भी फैसला लेगा मुझे मंजूर होगा। वो जो भी फैसला लेगा मुझे मंजूर होगा। बहुत नाराज हूँ जिज्जी, मारे को यकीन ना हो रहा है जिज्जी कि जब दोनों दादी और पोती कितनी बदतमीजियों के बाद भी आपने और भाई साहब ने इन दोनों को अटके रहने की इजाजत कैसे दे दी। सुजाता, मैं जानती हूँ कि रागिनी ने जो कुछ भी किया वो अच्छा नहीं किया। वैसे भी हमने उसे आखिरी चेतावनी दे दी है, इसके बाद अगर उसने कुछ किया तो जाहिर सी बात है हम उसे इस घर में नहीं रहने देंगे। वैसे बड़ी माँ, आज जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं था। हाँ, बस एक चीज अच्छी हुई कि स्वरा भाभी ने बड़े पापा को इनोसेंट प्रूफ कर दिया। उसके अलावा तो क्यों, ये छोरी, ये कविता, वो भी तो इतने सालों बाद सही सलामत वापस आ गई, जे के कोई खुशखबरी से कम है? अरे आज वो छोरी की वजह से ही हमारे भाई साहब निर्दोष साबित हुए हैं। अरे बुरा तो ये है कि रागिनी जय घर में रह गई, मैं बिल्कुल खुश ना हूँ जिज्जी। मैं तो कहती हूँ जिज्जी,
अभी इसी वक्त ना जे दोनों दादी और पोती को धक्के मार के जे घर से बस सुजाता बस भी करो। मारे को समझ ना आ रहा है जीजी, क्यों मारे को समझ में ना आ रहा है जीजी, आप जे रागिनी की तरफदारी क्यों कर रहे हो? नहीं सुजाता, मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रही हूँ और ना ही मुझे उससे कोई लगाव है। जैसा रागिनी ने हमारे साथ किया, अगर हम भी पलट कर उसके साथ वैसा ही करें तो उसमें और हमें फर्क क्या रह जाएगा सुजाता? और वैसे भी मैं समझती हूँ कि शर्मिष्ठा जी ने जाते हुए उसे जो सीख दी है और हमने उसे जो आखिरी चेतावनी दी है उसके बाद वो सुधरने की कोशिश जरूर करेगी। ना जीजी, मैं